Hi everybody, this is Ankur Goyal and once again I welcome you all to my channel Chemistry Redefined. Students, in continuation with the previous video lectures over alkyl halides, aaj ki is class mein hum haloalkanes ki physical properties discuss karenge. And as you can see behind me, haloalkanes ki char badi important physical properties hoti hain, which are color, physical state, boiling points and solubility. So we would be discussing these four physical properties one by one. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द कलर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ऑल द फोर टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, मे इट बी फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयराइड्स, सभी एल्काइल हैलाइड्स अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में कलरलेस कंपाउंड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं. बट इन चारों एल्काइल हैलाइड्स में भी ये देखा गया है कि ओनली द ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल आयोडाइड्स अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में तो ये भी कलरलेस होते हैं, लेकिन व्हेन दीज ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर एक्सपोज टू लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में आते ही दे स्टार्ट एग्जिबिटिंग सर्टेन कलर. फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स कलर नहीं एग्जिबिट करते लाइट की प्रेजेंस में भी, लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जैसे ही इन पर लाइट पड़ती है ये कलर इंपार्ट करने लग जाते हैं. एंड द ओनली प्रोबेबल रीजन बिहाइंड देयर कलर एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टी इज दैट कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो लाइट से ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वीक होती है. लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के फोटॉन्स की प्रेजेंस में इनके बॉन्ड्स की क्लीवेज हो जाती है. दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ब्रोमीन एंड आयोडीन, और फ्री ब्रोमीन और आयोडीन जैसे ही बनता है तो वो कलर इंपार्ट करने लग जाते हैं. सो दिस इज द रीजन कि फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स उनका साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी स्ट्रांग होती है, वो लाइट की प्रेजेंस में भी कलर एग्जिबिट नहीं करते. लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स प्योरेस्ट फॉर्म में तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे ही इन पर लाइट पड़ती है तो लाइट की प्रेजेंस में ये कलर एग्जिबिट करने लग जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द कलर. सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फिजिकल स्टेट. स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट होती है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कंपाउंड के वेरियस मॉलिक्यूल्स कितना क्लोज एसोसिएशन में, कितना टाइटली पैक्ड है. और किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कितना टाइटली पैक्ड होते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड के वेरियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तीन टाइप्स की होती हैं, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस. एंड इसमें से भी स्पेसिफिकली याद रखिएगा जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस और वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं दे ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एज वेल एज द सर्फेस एरिया ऑफ द कंपाउंड. सो ऑन दैट बेसिस ये देखा गया है स्टूडेंट्स कि जो लोअर मेंबर ऑफ द हैलाइड फैमिली होते हैं, लोअर मेंबर से हमारा मतलब है टिल द चेन लेंथ इज मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल मैक्सिमम. तो मिथाइल हैलाइड्स, इथाइल हैलाइड्स एंड प्रोपाइल हैलाइड्स तक के जो मेंबर्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी गैसेस एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इनकी चेन लेंथ कम होने की वजह से इनका सरफेस एरिया कम होता है. सरफेस एरिया कम होने की वजह से इनमें वैन डर वाल फोर्सेज या डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस का मैग्नीट्यूड भी कम होता है. बट एज वी ग्रेजुअली इंक्रीज द चेन लेंथ, जैसे जैसे हम चेन लेंथ इंक्रीज करते रहते हैं तो विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ इनका सर्फेस एरिया बढ़ता है, एंड विद द इंक्रीज इन दैट सर्फेस एरिया इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है. And with the increase in the magnitude of intermolecular forces, the higher members gradually becomes liquids and still higher member becomes solids. तो ये याद रखिए, lower member of the alkyl halide family, they are gases in nature. उससे higher members, जैसे जैसे chain length बढ़ेगी और chain length बढ़ने की वजह से surface area बढ़ेगा, surface area बढ़ने से intermolecular forces का magnitude बढ़ेगा, तो जो higher members होते हैं वो liquids बन जाते हैं. And still very higher members, जिनमें चेन लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो जाता है, वो सॉलिड्स एग्जिस्ट करने लगते हैं. स्टूडेंट्स आफ्टर दीज टू प्रॉपर्टीज वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हैलोएल्केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. बॉइलिंग पॉइंट्स भी याद रखिए, जस्ट लाइक द फिजिकल स्टेट इवन द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस एरिया एज वेल एज द मोलर मास. और ये स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है. जब भी आपसे पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो है तो वो किसी दूसरे कंपाउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है. यहाँ पे इन दिस केस अगर हम एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड्स के पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे. और एल्काइल हैलाइड्स के पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स. एल्केन्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि एल्केन्स आर कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और बीइंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दीज एल्केन मॉलिक्यूल्स आर जस्ट हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल फोर्सेस. इनमें सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं जो बहुत वीकर होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं एल्केन्स के. लेकिन जैसे ही हम इस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं किसी हैलोजन से एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आर एक्स, तो जैसे ही आर एक्स बनता है तो दीज एल्काइल हैलाइड्स बिकम पोलर.
और जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनमें डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस डेवलप हो जाती हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को हटा के जैसे ही हमने हैलोजन लगाया तो दो चेंजेस आए मॉलिक्यूल में, एक तो मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी डेवलप हो गई बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, और ना सिर्फ एक पोलैरिटी डेवलप हुई ये भी याद रखिएगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हैलोजन एटम्स का मोलर मास ज्यादा होता है। तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगाया तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ गया सब्सटेंस का, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ गए। तो स्टूडेंट्स ये तो फैक्ट है कि एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स एल्काइल हैलाइड्स हायर बॉइलिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब दूसरी चीज ये डिपेंड करती है कि एल्काइल हैलाइड्स में भी बॉइलिंग पॉइंट आपस में कैसे वेरी करता है। आपस में वेरी करने से हमारा मतलब है कि अगर हम हैलोजन एटम सेम रखें एंड कीपिंग द सेम हैलोजन हम चेन लेंथ बढ़ाते चले जाएं, से एक बार मिथाइल हैलाइड कंसिडर करें, फिर एक बार इथाइल हैलाइड कंसिडर करें, फिर प्रोपाइल हैलाइड कंसिडर करें, तो चेन लेंथ इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट आता है? तो याद रखिएगा कीपिंग द सेम हैलोजन इफ वी ग्रेजुअली इंक्रीज द चेन लेंथ देन अगेन द सर्फेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज एज वेल एज द मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है, और सर्फेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एक बार फिर बढ़ने लगते हैं। तो सेम हैलोजन को रखते हुए अगर एल्काइल चेन लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ते चले जाएंगे। सेकेंड केस स्टूडेंट्स यही याद रखना है कि अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें एंड विद इन द सेम एल्काइल ग्रुप हम हैलोजन एटम्स को रिप्लेस करते जाएं, वंस वी कंपेयर आर आई आर बी आर आर सी एल एंड आर एफ, तो इवन इन दीज केस याद रखिएगा आयोडीन का एटम इज मच बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द हैलोजन, और बिगर साइज होने की वजह से इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है एंड इवन इट कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो याद रखिएगा एल्काइल आयोडाइड्स आर हाईएस्ट बॉइलिंग हैलाइड्स, और जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज डिक्रीज होता चला जाता है सरफेस एरिया कम होने की वजह से एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स के ये ट्रेंड्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स आपको। एंड फाइनली वी कम ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सॉल्युबिलिटी में स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी एक्चुअली फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आई होप आप सभी लोगों ने ये फ्रेज सुना होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक इंप्लाइज कि अ पोलर सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड अ नॉन पोलर सॉल्यूट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी अगर वाटर के अंदर डिस्कस करें, आपको पता है वाटर इज अ बेंट शेप पोलर मॉलिक्यूल एंड इवन एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। एल्काइल हैलाइड्स में भी पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो एल्काइल हैलाइड्स भी पोलर होते हैं, वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक वी एक्सपेक्ट कि एल्काइल हैलाइड्स वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, बट द प्रैक्टिकल फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट दीज एल्काइल हैलाइड्स इन स्पाइट ऑफ देयर पोलर नेचर आर फाउंड टू बी वेरी नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब उसका रीजन क्या है, पोलर होने के बाद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है? सो लेट्स डिस्कस द रीजन ऑफ देयर वेरी नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और वाटर के वेरियस मॉलिक्यूल्स आपस में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर हम चाहते हैं कि एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो एल्काइल हैलाइड और वाटर आपस में याद रखिएगा डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस बनाएंगे एक दूसरे के साथ, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर इतनी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि वो वाटर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए सफिशियंट हो। बट अनफॉर्चुनेटली एल्काइल हैलाइड और वाटर क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बनाने वाले हैं और इन डायपोल डायपोल इंटरैक्शन से कम बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट लेस बॉन्ड एनर्जी वुड नॉट बी सफिशियंट टू डिसोसिएट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत सफिशियंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चाहिए होती है, और वो एंथैल्पी अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के नए इंटरैक्शंस बनने से रिलीज हो जाती तो हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता, बट दीज न्यू इंटरैक्शंस आर वीकर, ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस कम बॉन्ड एनर्जी रिलीज करते हैं एंड दैट लेस बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज नॉट सफिशियंट टू ब्रेक द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो फाइनली ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एल्काइल हैलाइड्स पोलर होने के बाद भी वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरैक्शन इज नॉट सफिशियंट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर वाटर वाटर इंटरैक्शंस। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स याद रखिएगा एल्काइल हैलाइड्स आर रेदर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइल्केन्स। एक बार मैं क्विकली रिकैप करवाता हूं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द कलर ऑफ हेलोइल्केन्स। कलर में मैंने आपको बताया कि
चारों ही एल्काइल हैलाइड्स में दे भी फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में कलरलेस होते हैं, लेकिन चारों में से सिर्फ ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ऐसे हैं जो लाइट के प्रेजेंस में आते ही कलर इंपार्ट करने लग जाते हैं ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर हमने सेकेंडली फिजिकल स्टेट डिस्कस करी। फिजिकल स्टेट में मैंने आपको बताया कि लोअर मेंबर्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड फैमिली दे एग्जिस्ट एज लिक्विड्स, क्योंकि उनका साइज छोटा होने की वजह से उनका सरफेस एरिया कम होता है, वैन डर वाल फोर्सेस कम होती हैं, बट विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ जैसे जैसे उनका सरफेस एरिया और मोलर मास बढ़ता है तो दे ग्रेजुअली बिकम्स लिक्विड एंड स्टिल हायर मेंबर बिकम्स सॉलिड। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट्स डिस्कस करे। बॉइलिंग पॉइंट्स में हमने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को एल्केन्स से कंपेयर करा। एल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर जस्ट हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल फोर्सेस, लेकिन एल्काइल हैलाइड्स पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस कंटेन करते हैं, सो दैट्स व्हाई इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स के कंपैरिजन में, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्युबिलिटी। एल्काइल हैलाइड्स पोलर होने की वजह से एक्सपेक्टेड थे कि वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, बट इन स्पाइट ऑफ देयर पोलर नेचर दे आर फाउंड टू बी वेरी लेस एंड वेरी नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरैक्शन इज वेरी लेस, एंड दिस लेस एनर्जी इज नॉट सफिशियंट टू ब्रेक द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। In my next video lecture, I would be discussing the chemical properties of haloalkanes with you. Thank you.